हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई के पिछले सालों में पूछे गए जीएस क्वेश्चन लेंगे, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सेट से होंगे, क्योंकि एसएससी किसी साल के सिविल का जीएस क्वेश्चन मैकेनिकल में दे देता है और मैकेनिकल का जीएस क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में दे देता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? मैंग्रोव वन छोटी छोटी झाड़ियों और छोटे छोटे वृक्षों का एक ग्रुप होता है, जो कि सेलाइन वाटर में ग्रो करता है। ठीक है फ्रेंड, तो भारत में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर बात की जाए दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन का क्षेत्र कहाँ पे है, तो उसका आंसर हमारा होगा इंडोनेशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं मीन्स रेड ब्लड सेल की औसतन आयु कितनी होती है? हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो तीन एलिमेंट से मिलके बना होता है। पहला है रेड ब्लड सेल मीन्स RBC, दूसरा है वाइट ब्लड सेल मीन्स WBC और तीसरा है प्लेटलेट। ठीक है फ्रेंड, ब्लड में RBC का रेड ब्लड सेल का परसेंटेज होता है 40%। RBC की खोज एक साइंटिस्ट एंटोनियो लुइन हॉक ने की थी और RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड, RBC का जो जीवन काल होता है, मतलब एवरेज लाइफ, वो होती है 120 दिन इसकी जीवन काल होती है। RBC का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है और इसकी डेथ जो डिस्ट्रॉय होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर है लगभग 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी एक इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है, जो कि हमारे शरीर के इम्यून सेल की फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और इन्फेक्शन से बचाव करती है। खट्टे और रसीले फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत पतली ट्यूब होती है, जिसकी मोटाई इंसान के बाल के जितनी होती है। ऑप्टिकल फाइबर में हम डाटा भेजने के लिए लाइट का यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, लाइट। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे काम करता है, जैसे कि ये ट्यूब है, हम लाइट भेज यहाँ से लाइट भेजेंगे तो लाइट ऐसे जाएगा, फिर इसके इंटरनल सरफेस से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ऐसे ऐसे बहुत कम समय में और बहुत कम पावर में डाटा एक जगह से दूसरी जगह इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की खोज एक इंडियन साइंटिस्ट ने की थी, जिनका नाम था नरेंद्र सिंह कपेनी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट पानी के साथ 10H2O, इसे हम कहेंगे वॉशिंग सोडा लिक्विड फॉर्म में। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट बिना पानी के, इसे हम कहेंगे सोडा ऐश या फिर क्रिस्टल वॉशिंग सोडा। तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम कहेंगे बेकिंग सोडा, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। फोर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मीन्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? अगर इन चारों ऑप्शन की बात की जाए तो पोटेशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है फ्रेंड, अगर ओवरऑल बात की जाए तो सीज़ियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पूरी पीरियोडिक टेबल में। अगर बात की जाए सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है फ्लोरीन। ठीक है फ्रेंड, अगर बात की जाए मोस्ट रिएक्टिव गैस की बात की जाए तो हाइड्रोजन गैस वो होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी आप आंसर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो प्रतिरोधकों को मीन्स रेजिस्टर्स को हम पार्श्वक्रम मीन्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनमें रहता है या रहती है? दो रेजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ से करंट I होता है, ये I करंट दोनों रेजिस्टर में डिवाइड हो जाता है I1 और I2।
आई वन और आई टू का समेशन आई के इक्वल होता है, ये पॉइंट वन टू थ्री और फोर। करंट तो डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वी वन माइनस वी थ्री इक्वल टू हमारा वी टू माइनस वी फोर, जो वोल्टेज डिफरेंस है वो पैरेलल कनेक्शन में इक्वल होता है। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में भारत में जंगलों का त्यौहार मनाया जाता है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 3 जुलाई। भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मीस एक सप्ते का वन महोत्सव मनाया जाता है। इसकी शुरुआत डॉक्टर के एम मुंशी ने डॉक्टर के एम मुंशी ने 1950 से की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड होता है? ऊर्जा पिरामिड एनर्जी फ्लो को दिखाता है। ऊर्जा पिरामिड में एनर्जी फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे होगा पहला सन होगा, फिर सन से एनर्जी लेके प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसमें जितने भी प्लांट है वो आते हैं, फिर यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है फ्रेंड। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर होता है, मीन्स हमेशा ऊपर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सदैव ऊपर की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा है जीवाणु और तीसरा है विषाणु। ये तीनों ही एलिमेंट स्किन इन्फेक्शन के कारण होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी त्वचा रोग के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अभिनेत्र लेंस का पतला होने पर फोकस दूरी क्या होगी? लेंस का पतला या मोटा होना उस लेंस के रिफ्रैक्टिव पावर पे डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव पावर मेजर करने की यूनिट होती है डायोप्टर। फोकस दूरी और डायोप्टर में एक रिलेशनशिप होता है, फोकस दूरी इक्वल टू होता है 1/d, मीन्स फोकस दूरी डायोप्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंस पतला होगा तो डायोप्टर कम होगा, मीन्स अगर डायोप्टर कम होगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी। मीन्स इस क्वेश्चन में कह रहा है लेंस पतला है तो डायोप्टर कम है, इसलिए फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन बायोस के संबंध में सही है या है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप होता है जो कि एक चिप में स्टोर रहता है। बायोस कंप्यूटर में डिस्क को फेल होने से बचाता है। बायोस का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बायोस कंप्यूटर का सेल्फ चेक करता है। इस सेल्फ चेक प्रोसेस में कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हैं, मेमोरी कार्ड, कीबोर्ड, वो चेक करता है कि वो सब सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, सभी कथन सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2, बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। इसकी खोज सन 1973 में रविंद्र सिंह ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको चारों ऑप्शन में डीवैल्यूएशन वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो डीवैल्यूएशन इकोनॉमिक्स का एक टर्म होता है, जिसका मतलब होता है कि जब एक देश की करेंसी का एक्सचेंज रेट दूसरे देश की करेंसी के एक्सचेंज रेट से कम हो जाता है तो उसे हम अवमूलन या डीवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, भारत का 70 रुपये अमेरिका के $1 के इक्वल होता है, मीन्स अमेरिका की करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो भारत की करेंसी के एक्सचेंज रेट से बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भारत में कोई वस्तु 70 रुपये की है, अगर भारत वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है तो वो $1 में बिकेगी, मीन्स वैल्यू कम रहेगी। अगर अमेरिका से कोई $1 की वस्तु भारत में इम्पोर्ट होती है तो वो 70 रुपये की हो जाएगी, मीन्स बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू
कम है और भारत में उस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, मींस जो इंपोर्ट करने का खर्चा है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए ऑप्शन थर्ड में, डी वैल्यूएशन लीड टू एक्सपेंस इंपोर्ट्स इन दी डोमेस्टिक मार्केट, मींस आयात जो है वो महंगा हो जाएगा। जैसा हिंदी में कहावत है कि 9 की लकड़ी 90 खर्चा, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। भारत में 1947 के बाद 3 बार अवमूलन हो चुका है। पहला अवमूलन हुआ था 1949 में, दूसरा अवमूलन हुआ था 1966 में और तीसरा अवमूलन हुआ था 1991 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा। अगर सिंपली देखें हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, इन्फ्लेशन मतलब होता है कि मनी की वैल्यू कम होने लगती है और प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होने लगती है, ठीक है फ्रेंड। अब हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स अति मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि किसी भी लोकल करेंसी का जो रियल वैल्यू होता है वो बहुत जल्दी कम होने लगता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो पेट्रोल का प्राइस कुछ ही दिनों में बढ़ने लगता है, जबकि क्वांटिटी कितना होता है, क्वांटिटी सिर्फ 1 लीटर ही होता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 लीटर है लेकिन जो मनी की वैल्यू है वो जल्दी कम हो रही है, इसी कारण जो 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है वो धीरे बढ़ता रहता है, तो इसी को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू, मुद्रा की कीमत में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा है, का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन वन, महामेघ वाहन वंश। कलिंग नरेश खारवेल महामेघ वाहन वंश के तीसरे राजा थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। फारसी यात्री ईरान से भारत 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा देवराय टू संगम राजवंश के विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे। विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र मीन डायरकी सिस्टम या ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत किसने की थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने डायरकी सिस्टम या ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत की थी। डायरकी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि दो लीडर किसी एक राज्य पर काम करें, ठीक है फ्रेंड। फिर 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि कर रॉबर्ट क्लाइव ने या जो डायरकी सिस्टम इसको बंगाल में लागू किया। फिर उसने डायरकी सिस्टम के तहत बंगाल में दो एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की। पहला था दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी बंगाल का टैक्स है उसको जमा करा के ईस्ट इंडिया कंपनी को देना, और दूसरा था निजामत में बंगाल का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो उसकी देखरेख करना, जो कि उस टाइम बंगाल के जो नवाब थे वो थे नवाब उद्दौला और सैफुद्दौला, ये दोनों निजामत को देखते थे। जो ज़रूरी काम था कि जितना भी टैक्स है वो ज़्यादा ज़रूरी था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में लिया था, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन वन, रॉबर्ट क्लाइव। अगर ये क्वेश्चन आए कि बंगाल में डायरकी सिस्टम ख़त्म किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने डायरकी सिस्टम को ख़त्म किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है। लोकपाल वो व्यक्ति होता है जो किसी देश या राज्य के जो हाई रैंक ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच करना और उन पर कार्रवाई करना। तो सबसे पहले 1809 ईस्वी में स्वीडन ने अपने संविधान में ओम्बुड्समैन की स्थापना की। लोकपाल को स्वीडन में ओम्बुड्समैन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्वीडन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया था।
आज़ादी के पहले भारत में जमींदारी प्रथा थी, जिसमें कि जमींदार किसानों पर हमले करा के उनकी ज़मीन कब्जा करके और उनसे मनमाने ढंग से काम करवाते थे, जिसके विरोध में 1929 में बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन शुरू किया था। फिर बाद में यह आंदोलन धीरे धीरे बिहार से कई और राज्यों तक फैल गया। फिर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। फिर साल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा साल 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स की कक्षा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट दूर तक फैली हुई है, लगभग 15 करोड़ से भी ज़्यादा, और इनकी लंबाई 100 मीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? पहला ऑप्शन है यांगजी रिवर सिर्फ चाइना में बहती है, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। इसी नदी पे थ्री गॉर्जेस डैम भी बना हुआ है। चाइना की दूसरी सबसे मेन नदी है येलो रिवर भी सिर्फ चाइना में बहती है, इसकी लंबाई है 5464 किलोमीटर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यिनिसी नदी मंगोलिया और रशिया में बहती है, इसकी लंबाई है 3487 किलोमीटर। थर्ड रिवर है इंडस रिवर चाइना इंडिया और पाकिस्तान में बहती है, इसकी लंबाई 3610 किलोमीटर है। फोर्थ है मेकोंग रिवर चाइना म्यांमार लावोस थाईलैंड कंबोडिया और वियतनाम में बहती है, इस रिवर की लंबाई है 4909 किलोमीटर। तो एशिया में सबसे लंबी नदी कौन हुई? यांगजी रिवर, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यांगजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग हैं, क्या कहलाते हैं? इस हम एक डायग्राम से समझेंगे। एज्यूम कर लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट और यहाँ पे ऊपर ओशन, इसे हम अलग कलर से कर लेंगे, ये ओशन है, ये ओशन है हमारा। ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया, इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, मींस ये कॉन्टिनेंटल की जो कॉन्टिनेंट की ऊंचाई है वो धीरे धीरे राइज कर रही है, इसीलिए हम इसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। फिर जो ये वाला एरिया होगा, इसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, क्योंकि ये स्लोप धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपी ढलान। अब जो ये वाला एरिया होगा, ये जो मेन एरिया होगा जो कि कोस्टल एरिया के पास में होगा, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, महाद्वीपी शेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कि अपोजिशन सरकार को कमज़ोर या हराने की उम्मीद से संसद में पेश करती है। अपोजिशन या जो प्रस्ताव है, सबसे पहले लोकसभा में इसे पेश करती है, अगर यह मोशन पास हो जाता है तो सरकार फेल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? संविधान के अनुच्छेद 83(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति का पद होता है, जबकि आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। भारत का उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरपर्सन भी होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है।